अलका लांबा जी, आपने सुना होगा अनिल चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी का रुख जाहिर कर रहे थे टीवी 9 भारतवर्ष पर, वही आस्था, लोगों की भावनाएं, ये सबसे ऊपर है ना। फिर कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़े, लोगों को कोरोना हो जाए, लोगों की जान चली जाए, घर उजड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? समीर जी, मैं अपनी बात करूं, खुद से एक बात साफ पहले कर देना चाहती हूं। दिल्ली में 3-tier सरकार है, केंद्र सरकार चलाती है, दिल्ली सरकार और नगर निगम सरकार चलाती है। मैं आपके चैनल के थ्रू दिल्ली के लोगों की जान पर बनाई है, साफ कह रही, जो फैसला ये लेंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा। फैसले इन्हें लेने हैं। महामारी में महापर्व की जब बात हो रही है, क्या जरूरत है दिल्ली की सरकार को सरकारी खर्च पर अक्षरधाम मंदिर में दिवाली का भव्य आयोजन सारे विधायक नहीं, और क्या जरूरत है फिर कांग्रेस पार्टी को ये कहने की अक्षरधाम मंदिर में अगर दिवाली पूजन का सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो भाई फिर सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा का भी पर्व मनाया जाना चाहिए, इजाजत दे देनी चाहिए। मतलब अगर पहले लापरवाही हुई तो अब भी हो, अगर दिवाली में हुई तो छठ पर्व में भी हो, लोगों की जान जाती है तो जाए। यही मैं कह रहा हूँ ना अलका लांबा जी, वो जिम्मेदारी नहीं नजर आ रही, समझिए बात को। मैं बात पूरी कर लूं जी, मैं बात पूरी कर लूं। चांदी चौक की विधायक रही हूँ, मजनू टीला पूरा पूर्वांचल के लोगों का है। हाथ जोड़कर कल फेसबुक लाइव करके अपील किया है कि सरकार फैसले नहीं ले रही, मौत के मुंह में झोंक दी है। पूरे विश्व में भारत की राजधानी दिल्ली कोरोना के मामलों में एक नंबर पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट जिसका जिक्र आपने किया है समीर, वीके पॉल ने अक्टूबर पहले हफ्ते में कह दिया था रोज 15,000 मामले आएंगे और 3,000 लोग अस्पताल एडमिट होंगे। अभाव है सुविधाओं का, ये तो सरकार को करना है। अगर हम कहेंगे सुविधाओं का अभाव है तो आप कहेंगे हम राजनीति कर रहे हैं। दो आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सुविधाओं के अभाव में सरकारी अस्पताल छोड़कर निजी दौड़ना पड़ा था। आम आदमी का क्या होगा, मैं पूछना चाहती हूँ। ये चिंताएं हैं हमारी, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर दिवाली ना होता तो हमारी बहनें जो छठ मैया की पूजा करना चाहती है, हम उन्हें समझा पाते? आज हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। दिवाली में आतिशबाजी के ऊपर, पहले का आतिशबाजी होगी, फिर का नहीं ग्रीन क्रैकर होंगे, फिर इनके गोपाल राय मंत्री जी दुकानों पे घूमते फोटो खिंचवाते और फिर कहते हैं ग्रीन क्रैकर भी नहीं होगा। पर सब में राजनीति घुसी है ना, सब में राजनीति घुसी हुई है, यही तो बात है। इससे सरकारों के फैसले प्रभावित हो रहे हैं, वोट बैंक खतरे में पड़ता नजर आता है। आज कल केजरीवाल जी ने कहा लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय को लिख दिया गया है। वही मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी कहते हैं लॉकडाउन किसी तरह का कोई समस्या का हल नहीं है, सिर्फ सुविधाएं बढ़ाएंगे, लॉकडाउन कंफ्यूजन है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पर।